हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक बायो। एज यू नो, वी आर डूइंग अ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन 10th क्लास। एंड हम पिछले लेक्चर्स में अपना न्यूट्रिशन टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में भी देख लिया और एनिमल्स में भी देख लिया। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। सिमिलरली रेस्पिरेशन भी हम प्लांट्स में भी देखेंगे और आज हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होती है और प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन और वी कैन से द मीनिंग ऑफ टर्म रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड को बर्न करना सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी आप क्या देखते थे, उसका इक्वेशन क्या लिखते थे? फ्यूल लिखते थे, देन ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है फ्यूल की बर्निंग सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकती है। प्रोडक्ट्स क्या बनते थे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी लिख सकते हो या फिर इसको आप हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप जलाते हो, जिस भी चीज़ को बर्न करते हो, वो गर्म हो जाती है। सो दैट इज हीट, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप हीट भी लिख सकते हो और एनर्जी भी लिख सकते हो। अगर हम इस बर्निंग ऑफ फ्यूल इक्वेशन को हमारी इस डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम है। फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स, बस ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हमारे सेल्स के अंदर, जहाँ हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न करते हैं। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड, जो फोटोसिंथेसिस से पहले से ही सिंपल फूड बनता है। एनिमल्स के अंदर हम बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड या फिर ग्लूकोज, और बाय फोटोसिंथेसिस पहले ही ग्लूकोज बनता है तो उसे हम बोल सकते हैं सिंपल फूड। बर्न होता है जिससे एनर्जी मिलती है, और ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि पावर हाउस का मतलब क्या होता है? वैसा हाउस जो पावर बनाए। तो वो कौन है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे लिए पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स। कौन सी फॉर्म में बनती है? एटीपी। ये बनती भी कैसे है? हमारी बॉडी में बहुत सारे एडीपी प्लस फॉस्फेट होते हैं। एडीपी इज एडीनोसिन डाइफॉस्फेट। इनके बीच में अगर बॉन्ड बना दे, एडीपी का फॉस्फरस के साथ बॉन्ड बना दे, तो ये बन गया एटीपी। पहले है एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर बना दिया हमने एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो हम बर्निंग ऑफ फ्यूल से ले लेते हैं। मतलब हमने पहले फूड की बर्निंग की, फूड की बर्निंग के बाद जो एनर्जी निकली उस एनर्जी से हमने ये बॉन्ड बना दिया, जिससे हमारे पास एटीपी बन गया। एटीपी इज योर एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूँगी? एटीपी को फिर से तोड़ दूंगी और क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फोरस। तो जितनी एनर्जी एटीपी बनाने में लगी थी उतनी ही एनर्जी इसको तोड़ने से हमें दोबारा मिल जाएगी, समझे, और हमारा काम चल जाएगा। तो मतलब एटीपी के फॉर्म में हम अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जैसे हम करेंसी को फिक्स करके रख लेते हैं ना, लाइक अब हम तिजोरी में उसके नोट लेके रख लेते हैं, प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं, या फिर हम गोल्ड लेके रख सकते हैं, ठीक है, जैसी ज़रूरत है। जितने पैसों में गोल्ड लिया था उसको बेचेंगे उतने पैसे फिर से मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जितनी एनर्जी मिली थी उससे एटीपी बनाया, जब एनर्जी चाहिए तो तोड़ के फिर से उतनी एनर्जी वापस ले लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। एडीपी को फॉस्फेट के साथ कनेक्ट किया तो एटीपी बनी,
एनर्जी स्टोर होती है सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एटीपी को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिससे हमारे पास एडीपी एंड एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है. एटीपी से एडीपी प्लस एनर्जी फिर से रिलीज आउट होगी और इस एनर्जी को हम यूज कर लेंगे, प्लस फॉस्फोरस भी निकलेगी. क्लियर? अब नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर एज इट इज आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टू पाथवेज, व्हाट आर द डिफरेंट, या फिर व्हाट आर द टू पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? सो हमारे पास रेस्पिरेशन के दो मेथड्स होते हैं. रेस्पिरेशन दो वे से हो सकती है. वन इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी दैट फूड इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती, एरोबिक के अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. क्लियर? ओके, सो उसके बाद हमारे पास है इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस, खत्म हो गया. एरोबिक एनएरोबिक भी समझ में आ गया. अब देखो, अब ध्यान से समझना. सबसे पहले डाइजेशन से हमारे पास ग्लूकोज आया, डाइजेशन बोल सकते हो, या बाय फोटोसिंथेसिस हमारे पास ग्लूकोज बन गया. ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया इंटू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसका नाम क्या है, पाइरूवेट. मतलब ग्लूकोज से हमने बना लिया पाइरूवेट. ग्लूकोज के पास सिक्स कार्बन होते हैं. सिक्स कार्बन मतलब आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अपनी केमिस्ट्री में किया होगा, जैसे ऐसे ऐसे चेन होती है इसके पास सिक्स कार्बन की. इसके पाइरूवेट के पास थ्री कार्बन की चेन होती है, राइट? उसके बाद ये रिएक्शन होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. अब पाइरूवेट थ्री डिफरेंट मेथड से ब्रेक डाउन हो सकता है फर्दर. सबसे पहले है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी पर्टिकुलरली ईस्ट में. इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. इसी मेथड से हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, दिस फर्मेंटेशन. सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास क्या बन रहा है, इथेनॉल, एल्कोहल. सी आई सेड ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है इन एल्कोहल फॉर्मेशन, क्योंकि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरूवेट को तोड़ते हैं ईस्ट में तो इथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एनर्जी. एनर्जी भी कितनी बनती है यहाँ पर, 2 ATP. क्लियर? उसके बाद हम ये वाला मेथड डिस्कस करते हैं, दिस वन. पाइरूवेट की ब्रेकडाउन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल. वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एनर्जी भी कितनी, 38 ATP. सी द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड इन ह्यूमन बीइंग्स और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 ATP बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 ATP बनते हैं. सो एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिव टू एनएरोबिक, क्योंकि एरोबिक के अंदर एनर्जी ज़्यादा बनती है. अब हमारे केस में एक सिचुएशन आती है, वो है सपोज आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज भाग रहे हो, राइट, रनिंग कर रहे हो, या बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा हैवी वर्क कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? उस केस में क्या होता है, आप ब्रीद फास्ट फास्ट करना शुरू कर देते हो, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हमारी. इन मेथड से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी हमारे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी नहीं हो सकती. अब सपोज हम इतनी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि फास्ट ब्रीद करने से भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी सोचती है कि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो क्यों ना एनएरोबिकली रेस्पायर किया जाए. तो उस केस में हमारी बॉडी भी एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देती है.
सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन सेल्स क्या बनता है उसके, इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब इस एक सेकेंड, अब अगर हम दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशंस को कंपेयर करें, यहां पर बन रहा है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बट जब ह्यूमंस के अंदर हो रही है तो बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, नो कार्बन डाइऑक्साइड। रीजन बीइंग इथेनॉल टू कार्बन का बना होता है, पाइरूवेट के पास तीन है, एक किस फॉर्म में निकल गई फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। लैक्टिक एसिड थ्री कार्बन का बना हुआ है, कोई कार्बन ही नहीं बची तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पड़ते हैं ना मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जब बहुत हैवी भाग के आते हैं हम, तो वो इस लैक्टिक एसिड के कारण ही बनते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब प्लांट्स के ना पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि आपको पता है जैसे कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल्स के पास है, वैसा कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता, और ना ही उन्हें उस कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे केस में रेस्पिरेशन सिर्फ नोज के थ्रू हो रही है, बट प्लांट्स के अंदर उनका हर एक ऑर्गन रेस्पायर करता है। लीव्स भी रेस्पायर करती हैं, रूट्स भी रेस्पायर करती हैं, स्टेम भी रेस्पायर कर रही है। तो जब हर एक बॉडी पार्ट अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है तो उनको कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती। क्लियर, बाकी सेकंड थिंग, हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, प्लांट्स को एनर्जी भी कम चाहिए, उन्हें चलना फिरना कुछ भी नहीं होता, चलना नहीं होता, सोचना नहीं होता, खाना भी नहीं खाना, सिर्फ बनाना ही है, खाना भी नहीं खाना है, ये दीन दुनिया के काम भी नहीं करने हैं, पढ़ाई भी नहीं करनी है ना। सो प्लांट्स को कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई प्लांट्स डू नॉट नीड एनी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, उनका हर ऑर्गन रेस्पायर करता है। सेकेंड पॉइंट, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिव टू अस बहुत कम होती है। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले देखो ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट आउट करते हैं या फिर रिलीज आउट करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम डे टाइम पर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं, तो ऐसा क्यों, तो क्या दिन में रेस्पिरेशन नहीं होती? बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट्स दिन में रेस्पायर नहीं करते, वो सिर्फ रात के टाइम पर रेस्पायर करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन लेनी चाहिए। देन द आंसर इज, आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद है, वहां हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या बन गया था हमारे पास, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या बन गई थी, ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बनती है, इसी को ये रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं इन डे टाइम। कब यूज कर लेते हैं ये, डे टाइम पर, राइट। अब जितने बाकी यूज करनी थी कर ली, बाकी जो बची उसको ये आउट अपनी बॉडी से एक्सहेल आउट कर देते हैं। रात के टाइम पे नो फोटोसिंथेसिस, अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन बनेगी भी नहीं, तो इन्हें कहाँ से लेनी पड़ेगी, एटमॉस्फियर से, प्लस उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही। तो रात के टाइम पर प्लांट्स कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, नाइट के टाइम पर ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। क्लियर, सो यहाँ पर आप देख सकते हो लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, रूट्स भी ऑक्सीजन ले रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पार्ट बाय पार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम बाय लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते हैं, इनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो इनकी वुडी स्टेम होती है उसके ऊपर ना ऐसे होल्स होते हैं, गलियां होती हैं, इन होल्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं।
इन होल्स के थ्रू ही इनका क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है. क्लियर? सो यहां पर याद रखना है, प्लांट्स की स्टेम कैसे रेस्पायर करती है, बाय लेंटिसेल्स. रेस्पिरेशन इन लीव्स बाय स्टोमेटा, ये सबको पता है, स्टोमेटा का सबको ज्ञान होता है. आपने इवन ये डायग्राम भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट स्टोमेटा का पोर, इसे ओपन एंड क्लोज करने का काम होता है हमारे गार्ड सेल्स का. गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपने वहां नहीं देखा तो पिछली वीडियोस में चेक करना, ठीक है? और मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? जहां पर मैंने गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्लेन की हुई है. सो ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल की हेल्प से ही स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है. यहाँ पर जो गार्ड सेल्स की शेप है वो किडनी शेप्ड होते हैं. तो स्टेम में आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ लेंटी सेल्स, स्टोमेटा के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. क्लियर? नेक्स्ट है रूट्स. रूट्स में सिंपली होता है एक्सचेंज. मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो ये रूट है, रूट के आसपास क्या होती है, सॉइल पार्टिकल्स. ये जो ब्राउन कलर के आपको दिखाए हुए हैं, दीज आर सॉइल पार्टिकल्स. अब ये सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं, जो ये बीच में खाली स्पेस है इसे बोलते हैं एयर स्पेसेस. ये खाली स्पेस क्या है, एयर स्पेसेस, मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है, एयर. क्लियर? तो रूट्स क्या करती हैं, यहां इनके पास एयर है नहीं, यहां एयर है, तो बाय डिफ्यूजन सॉइल पार्टिकल्स में से एयर कहां चली जाएगी, रूट के पास, एक्सचेंज हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एयर स्पेसेस में ज्यादा है, रूट में कम, तो एयर मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. क्लियर? अब आपको पता है, तभी तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स को पानी देना चाहिए, बट एक्सेस में भी वाटर नहीं देना चाहिए. अगर एक्सेस वाटर दे देते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स के आसपास ये एयर कैविटीज हैं, यहाँ पर वाटर फिल हो जाता है. अगर वाटर फिल हो जाएगा तो एयर के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगी, तो प्लांट की रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाती और वो डेड होनी शुरू हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स का खत्म हो गया. रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे हो रही है, बाय सिंपल डिफ्यूजन. लीव्स कैसे रिस्पायर हो कर रही हैं, बाय स्टोमेटा. स्टेम कैसे कर रही है, बाय लेंटिसेल्स. अब हम शुरू करते हैं अपना लोअर ऑर्गेनिज्म, उसमें हमारे पास है एमीबा. एमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होती है थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनकी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होती है. बॉडी सरफेस मतलब देखो, इनकी बॉडी को फील हो रहा है कि हमें ऑक्सीजन अब चाहिए, तो सिंपली इनकी बॉडी से ही ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और बॉडी लाइनिंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल आती है. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ये वाटर. वाटर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर लो है. सो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑक्सीजन मूव कर जाएगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इनकी बॉडी के अंदर हाई होता है और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से वाटर में मूव आउट हो जाती है. सो ये प्रोसेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस हो रहा है, यहीं से. ये इनकी बॉडी है, स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, थ्रू देयर बॉडी सरफेस ही इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है. क्लियर? फिशेस के अंदर, फिश के अंदर कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स. क्लियर? गिल्स होते हैं, ये हमारे पास गिल स्लिट्स हैं. सिंपली होता क्या है, इनके गिल्स के पास, इनके गिल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने मुंह के थ्रू पानी पीती हैं. पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन. हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन पी रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन पीते हैं ये. तो इन ये पानी जो ये पी रहे होते हैं ना, ये इनके माउथ से डायरेक्टली गिल्स के पास जाता है, और गिल्स के पास प्रॉपर्टी है वो पानी और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है. गिल्स के पास क्या प्रॉपर्टी है, ये सेपरेट कर देता है, सेपरेट्स
ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर. क्लियर. जैसे ये सेपरेशन हुई, ऑक्सीजन आगे जहां यूज होनी है इनकी बॉडी में वहां चली जाएगी, वाटर फिर इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है. क्लियर. अब ना यहां पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो फिशेज हैं वो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में फास्टर ब्रीद करती हैं और हर टाइम ब्रीद करती हैं. लाइक हम कैसे ब्रीद करते हैं, थोड़ा स्लो फिशेज ब्रीद करती हैं. समझ में आ रहा है डिफरेंस. फिशेज या फिर कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा फास्ट ब्रीद करता है कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना. क्वेश्चन है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीद्स फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. व्हाई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीद्स फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. क्लियर. सो दिस इज इट. यहीं पर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स खत्म होता है. अगर इसको इसके अंदर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो. टिल देन अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अच्छे से सारा एनसीईआरटी को रट लो. क्लियर. थैंक यू.